उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अभी भले ही कुछ समय बचा हुआ है, पर लगभग सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रमुख राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी द्वारा भी यूपी के देवरिया में सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें हजारों की भीड़ ने नरेश उत्तम का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह, विधान परिषद सदस्य रामसुंदर दास, पूर्व सांसद रमाशंकर राजभर के साथ विधायक आशुतोष उपाध्याय, पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव, सुरेश यादव और जिलाध्यक्ष डॉक्टर दिलीप यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बोलते हुए कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी की स्वीकृति से खेत खलिहान बचाओ, कुटीर उद्योग बचाओ, रोजगार दो, किसान जवान पटेल यात्रा निकाली है। ये इसलिए निकाली है यात्रा कि बीजेपी ने किसानों से जो वादा किया वो वादा नहीं निभाया, नौजवानों से रोजगार देने का वादा किया वो रोजगार नहीं किया, बीजेपी ने महंगाई 100 दिन के अंदर कम करने का वादा किया, महंगाई लगातार बढ़ती रहे, 43 रुपये वाला डीजल 90 रुपये का और 63 रुपये वाला पेट्रोल 100 रुपये का, 350 का रसोई गैस का सिलेंडर 950 का, खाद का दाम बढ़ा दिया, बीज का दाम बढ़ा दिया, कीटनाशक दवाओं का बढ़ा दिया, पढ़ाई का दाम बढ़ा दिया, दवा का दाम बढ़ा दिया, बिजली का दाम बढ़ा दिया, महंगाई से हर आदमी बहुत परेशान है। जो जनता का आशीर्वाद दिखाई दे रहा, जो जनता का जोश और जनता का हमको समर्थन मिल रहा, माननीय अखिलेश यादव की कार्य व्यवहार और नीतियाँ, उनकी उपलब्धियों पर लगातार लोकप्रियता बढ़ी है अखिलेश यादव जी की, इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी 2022 में आवे, देवरिया के सारी सीटें समाजवादी पार्टी को इस बार मिलेंगी। फिलहाल सपा प्रदेश अध्यक्ष के मुताबिक साइकिल यात्रा की शुरुआत कर दी गई है, जो यूपी के हर जिले में पहुंचेगी और ये 2022 में साइकिल की सरकार बनाने में कामयाब भी होगी। राहुल उपाध्याय, देवरिया, क्विक न्यूज़।